लाइन्स क्लब के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे सिंहेश्वर थाना के कैंपस में भी कुछ वृक्षों का रोपण हुआ है। इस अवसर पे लाइन्स क्लब के सभी सदस्यगण उपस्थित भी हैं हमारे कैंपस में। हमारे चंद्रशेखर जी, मनीष सराफ जी, डॉक्टर पप्पू जी, डॉक्टर एसन यादव जी, सभी तमाम जिले के गणमान्य लोग मौजूद हैं। इनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम चलाया गया और बड़ा हर्ष का बात है कि इस तरह के आयोजन से हमारे बिहार में हरियाली, हरित एरिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज इसकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी हो गई है। शुरुआत में जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था तो हमारी हरित पट्टी काफ़ी कम थी, लेकिन इस वृक्षारोपण के समय समय पर चलाए गए कार्यक्रम से काफ़ी सुधार हुआ है। इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और मैं इस कार्यक्रम की प्रशंसा करता हूँ। आज इनके अनुरोध पर मैं भी आज शरीक हुआ और मैंने भी एक पेड़ अपने सिंहेश्वर थाना के प्रांगण में लगाया। सर, पब्लिक के लिए क्या संदेश है? पब्लिक के लिए तो यही संदेश है कि भाई इस कार्यक्रम में आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ना हो तो कम से कम प्रति व्यक्ति एक एक पेड़ तो जरूर सभी को लगाना चाहिए। एक एक पेड़ भी अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी संख्या हमारे बिहार में हो जाएगी। तो मैं सभी बिहारवासियों से अनुरोध करूँगा कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम को महत्ता दें और जहाँ भी उनको जगह मिले अपने आंगन में ही संभव हो तो वृक्ष जरूर लगाएं। ठीक है सर, वृक्षारोपण किए हैं सर लायंस क्लब के द्वारा, क्या कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल, लायंस क्लब मधेपुरा की तरफ से आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का स्टार्ट किया गया है, जो सिंहेश्वर के थाना परिसर में हम लोगों ने शुरुआत एसपी साहब के संरक्षण में ये प्लांटेशन का कार्य शुरू किए हैं। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग का अभी एक सप्ताह तक लगातार चलेगा और शहर के मधेपुरा ज़िले के विभिन्न जगह पर जाकर हम सारे लायंस के मेंबर वहां पर जाकर के प्लांटेशन करेंगे और फिर उसका संरक्षण भी करेंगे ताकि लोगों को उसका फल मिले, उसका छाया मिले और उसके हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन मिले। ये हमारा लायंस इंटरनेशनल की तरफ से एक सौगात आया है, इसीलिए हम सब लायंस मिल करके उसके आगे बढ़ा रहे हैं। क्या संदेश है पब्लिक को दे रहे हैं सर? पब्लिक को यही संदेश है कि पेड़ ही जीवन है, क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें बारिश नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें बाढ़ से बचाता है, हमें बहुत चीज़ फल देता है, बहुत पेड़ का बहुत उपयोगिता है। इसीलिए अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगावे, अपने ही आंगन में, चाहे अपने परिवेश में, अपने दोस्तों पर, कहीं भी आपको जहां हो एक पेड़ जरूर अपने घर में लगावें ताकि हमारे पर्यावरण को उससे शुद्धता मिले।